नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं और एक नए पाम को आज पढ़ने वाले हैं, जैसे हम हर वीडियो में पढ़ते हैं। अगर आप भी यहाँ अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा हर व्हाट्सएप नंबर का लिंक जो है आपको नीचे मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस हाथ को पढ़ना शुरू करते हैं और क्या क्या कुछ यहाँ पर जीवन में इनके रहने वाला है उसको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद सभी हम पर्वतों को देखेंगे और सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरे प्रोडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, जातक की उम्र जो है 32 साल है, और क्या कुछ यहाँ पर जीवन में रहेगा। पहले तो आप देखें कि हाथ जो है वो, अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ करके देखें तो हाथ जो है वो स्क्वायरिश जो है बन रहा है, लेकिन 80% यहाँ पर 100% जो है स्क्वायरिश नहीं है, चपटा हाथ पूरा नहीं है। तो कभी कभी जो है मन में आलस्य आना और कभी कभी बात काम को टालना, ये जातक की फितरत में रह सकता है। हल्की सी मेहनत भी कम रह सकती है, लेकिन 80% चांसेस है होते हैं कि लाइफ में जातक सक्सेस हो जाए। ठीक है, फिंगर्स की अगर प्लेसमेंट की बात करो, फिंगर जो है हथेली के मुकाबले एवरेज है, ज़्यादा बड़ी फिंगर्स नहीं कहूँगा मैं, एवरेज है। तो जो चीज़ें हैं समझदारी वाली वो भी ठीक ठाक रहेंगी। कामयाबी का जो क्षेत्र है, जो कामयाबी मिलने के परसेंटेज हैं, वो 60 से 50% रहेंगी। मतलब हर काम में सक्सेस नहीं मिल पाएगी, किसी काम में सक्सेस जल्दी मिल जाती है और किसी किसी काम में सक्सेस मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं फिंगर्स की लेंथ की बात करूं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर दोनों जो हैं इक्वल हो रही हैं। तो इक्वल जब फिंगर होती हैं, तो जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि जातक का जो भाग्य उदय होता है थोड़ा लेट होता है, और किस्मत का साथ उसको एक्चुअल में वैसे भाग्य तो उसका 28वें प्लस में हो जाता है, लेकिन किस्मत का एक्चुअल में साथ जो है वो 35वें वर्ष में मिलना चालू होता है, लेकिन 28 के बाद उसका भाग्य उदय होना तय है। तो मिक्स क्वालिटी नज़र आ रही है, और जीवन में जो है ये बताता है कि आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ठीक ठाक रहेंगी और लीडरशिप क्वालिटी भी ठीक ठाक रहेंगी। अगर मैं यहाँ पर शनि फिंगर की बात करूँ तो शनि फिंगर ठीक है, टिल्टेशन यहाँ पर नहीं है, तो पैसा भी ठीक ठाक यहाँ पर जीवन में बन जाएगा। एवरेज पैसा है, नहीं कि बहुत ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन एवरेज पैसा यहाँ पर जीवन में रहने वाला है। हाथ में जो है वो, अगर हम देखें यहाँ पर थंब की बात करें, थंब के बाद पहले हम यहाँ पर बुध फिंगर की बात कर लेते हैं। बुध की फिंगर जो है आपको फर्स्ट बैलेंस के नीचे होती हुई दिखेगी, मतलब फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी कमी रह सकती है। कम्युनिकेशन स्किल नहीं कम है, मतलब कह सकते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में व्यक्ति के कम रह सकता है। कम्युनिकेशन स्किल नहीं कहूँगा मैं, कॉन्फिडेंस जो है व्यक्ति का थोड़ा हल्का सा कम रह सकता है। कभी कभी जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी दिखेगी, क्योंकि जो है माउंट भी आपको लो सेट होता हुआ नज़र आएगा, जिसके वजह से वो कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है। ठीक है, थम जो है, थम की बात करो, जो थम है वो इसका जो रुझान है जो पीछे की तरफ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है, तो जिसके वजह से हम कह सकते हैं थोड़ा सा मूड स्विंग होना और जिस हमेशा अपने प्लान में बदलाव लाते रहना, कोई भी एक काम पकड़ने के बाद उसको पूरा ख़त्म ना कर पाना और दूसरों काम को जल्दी पकड़ लेना, तो ऐसी फितरत जीवन में लगी रहेगी। ठीक है, ऐसे जातक को अपनी तारीफ सुनना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद होता है, या फिर हम कह सकते हैं बात अधिक करना ज़्यादा पसंद करते हैं व्यक्ति, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का मूडी नेचर है। ठीक है, चलिए आगे हम माउंट्स को देख लें। माउंट्स क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करूँगा यहाँ पर। गुरु पर्वत को आप देखें तो गुरु पर्वत क्या है कि थोड़े से दबाव है इनके ऊपर, उभार नहीं है दबाव है, और जिसके वजह से क्या होता है कि उस तरह का जीवन जो है वैवाहिक जीवन ऐसे व्यक्ति सोचता है, तो उस तरह का वैवाहिक जीवन नहीं रह पाता है, और हर क्षेत्र में हर चीज़ों में पाने के लिए जो है शुरू में स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु पर्वत थोड़े से दबे हुए हैं।
और लेकिन इसके ऊपर रेखाएं अच्छी हैं, जैसे जीवन रेखा से कुछ रेखाएं यहाँ पर ऊपर गुरु पर्वत की तरफ पहुंच रही हैं, जो बताता है कि जीवन में तरक्की पूरी होगी, ग्रोथ में कमी नहीं है, व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ तरक्की जरूर करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ऐसे वल्ले की स्ट्रक्चरें बनती हुई आपको नजर आएंगी, काफ़ी डीप वल्ले हैं। तो व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि धार्मिक है, भगवान को मानने वाला, भगवान में आस्था करने वाला ऐसा व्यक्ति है। अगर ऐसा व्यक्ति पामिस्ट्री वगैरह में अगर जाता है, अगर उस वगैरह में उस क्षेत्र में जाता है, उसमें भी काफ़ी अच्छी सक्सेस जातकों को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर हम मैं बात करूँ यहाँ पर इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत पर यह अच्छी बात दिख रही है कि भाग्य रेखाएं जो हैं यहाँ पर पहुँच रही हैं। देखिए, स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा स्ट्रगल हो, आप स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा स्ट्रगल कर लें, लेकिन जीवन में आखिर वाला पीरियड जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उसको हम देखने के लिए शनि पर्वत की स्थिति देखते हैं। इनकी शनि पर्वत की स्थिति काफ़ी अच्छी है, और जो हम कह सकते हैं कि भाग्य रेखाएं हैं वहां तक पहुंच रही हैं। तो अंतिम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, अच्छे सुख यहां पर भोगेंगी व्यक्ति, और ये नज़र आ रहा है। कड़ल और वीनस बिल्कुल बनता हुआ नज़र आएगा, जिसके हाथ में स्ट्रगल है, जिसके हाथ ने स्टू स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, बीमारियाँ देखी हैं, परिवार ने हर तरह के दुख देखे हैं इन्होंने कह लें, तो उनके हाथ में कड़ल और वीनस बनना जरूरी है। देखिए यहाँ पर हाथ में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखती है, और ये ऐसा नहीं कि सभी के हाथ में बनता है, जिसके हाथ में स्टार्टिंग में परेशानियाँ होती हैं, दुख होते हैं, उनके हाथ में ही ये बनता है। और जब ये बनेगा तो व्यक्ति का मूड स्विंग होता है, व्यक्ति इमोशनल होता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। आप कह सकते हैं कि इनको किसी बात पे आप रुला सकते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दुख वो देखे होते हैं, तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत पर एक नॉलेज की रेखा है, तो नॉलेज भी अच्छी खासी है इनके पास। सूर्य रेखा भी यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, जो 45 के बाद उत्पन्न हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 45 के बाद वाला जो पीरियड है जीवन में, या फिर हम 40 के बाद वाला जो पीरियड कहेंगे, उसके बाद सभी सुख सुविधाएं इनको हासिल होंगी, और जो इनके मान और यश में भी बढ़ोतरी होगी, लोग इनको जानेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई ऐसा दोष नहीं है, बस हल्का सा गुरु पर्वत जो है थोड़े से लो शिफ्ट है, और थोड़े से माउंट जो है थोड़ा सा दबा हुआ है, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी दिख रही है, लेकिन और कोई माउंट यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। अगर मैं बुध पर्वत की बात करूँ, तो बुध पर्वत ठीक है, फुलावट इनके अच्छी यहाँ पर है। तो अगर व्यक्ति नेट मार्केटिंग से जुड़ता है, नेटवर्क से जुड़ता है, जो मतलब ऐसे प्रोफेशन जहाँ पर जो आज का फील्ड है, जैसे नेटवर्किंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अगर ऐसे फील्ड में अगर जुड़ता है व्यक्ति, तो काफ़ी ऐसी सक्सेस ऐसे जातक को मिल सकती है, क्योंकि बुध उसके ही देवता माने जाते हैं, या बुध की जो स्थिति है उसी से हम देखते हैं। ठीक है, हाँ भले ही कम्युनिकेशन जो स्किल है हल्की सी कम रह सकती है, लेकिन व्यक्ति उन चीज़ों से जुड़कर सक्सेस जरूर पाएगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर चंद्र पर्वत की बात करूँ, उससे पहले हम शुक्र पर्वत की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्वत आप देखिए कि दबे हुए हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि शुक्र पर्वत अगर दब जाते हैं, आपको यहाँ पर दिखेगा शुक्र पर्वत दबे दबे दबाव आपको नज़र आएगा, जिसके वजह से क्या होता है कि जीवन में जो लग्जरियस चीज़ें हासिल करनी है, जो इन्होंने सोच रखी हैं, उनको पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, वो आसानी से नहीं मिलेंगी। जितनी ज़्यादा आपको फुलावट नज़र आती है, और वो चीज़ें आपको धीरे धीरे बनती नज़र आएंगी। जब देखिए, जब काफ़ी हाथों में हमने देखा, अब ऐसा नहीं कि सभी के हाथों में ऐसा हो, लेकिन 90% हाथ में ये देखने को मिला है कि जिनका शुक्र पर्वत वीक होता है, उनका वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें रहती हैं। ठीक है, वैवाहिक जीवन उस तरह सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, उस तरह का जो सुख मिलना चाहिए उस तरह नहीं मिल पाता है, और ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। भले ही अभी सुख हो, लेकिन बाद में वो दिक्कतें आएंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि अभी जो है आपको दिक्कतें आ रही हैं, बाद में सुख हो, मतलब हमेशा लाइफ में वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको आनी लाजमी है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। चंद्र पर्वत भी ठीक है, चंद्र पर्वत में आपको ट्रैवलिंग की रेखाएँ दिखेंगी, जो व्यक्ति को बताता है कि ट्रैवल वगैरह हो सकता है, फॉरन ट्रैवलिंग भी चांस हैं, मतलब बड़ी यात्राओं के भी चांस यहाँ पर हैं। थोड़ा सा ये एलर्जी इन्फेक्शन रह सकता है जीवन में, वो दिख रहा है,
लिंगाओं को यहाँ पर दोष नहीं है, ठीक है। चलिए अब रेखाओं की बात कर ले। पहले तो उनके आप जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा स्टार्टिंग से ही वो परेशानियों और से बीमारियों से ग्रसित है, वो परेशानियाँ वगैरह दिख रही हैं आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में, आपको दिखेगा। उसके बाद लाइफ जो स्टेबल हुई है 15 के बाद थोड़ी स्टेबल हुई है, ठीक है, ऐसी कुछ आपको लाइन दिखेगी बनती हुई और ये अंदर की तरफ है। तो पारिवारिक सपोर्ट ठीक ठाक रहेगा, परेशानियाँ हैं, हर्डल्स हैं, देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर एक रेखा, यहाँ पर रेखा, रेखा, रेखा। उसके बाद देखिए जब यहाँ पर इनका ये क्रॉस हो रहा है, मतलब 32 क्रॉस हो रहा है, 32 के आसपास जब क्रॉस हो रहा है, ये रेखाएँ थोड़ी सी कम हो रही हैं, तो इस रेखाएँ जो हैं काट नहीं रही, लेकिन हेल्थ वाइज इश्यूज थोड़े से प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइन जो है दोहरी हो रही है। कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा रोग लग सकता है जो काफ़ी लंबे पीरियड तक चले, ऐसी कंडीशनें हाथ में ऐसी बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो हेल्थ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ वाइज थोड़ा सा नेगेटिव हाथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं लाइन की बात करूँ, अगर लाइफ लाइन की बात करूँ, तो लाइफ लाइन जो है ठीक नहीं लग रही मुझे, क्योंकि यहाँ से ये लाइन ठीक नहीं लग रही हो। यहाँ से देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसके पहले जब हम केज कैलकुलेट करें, ये जब 30 के बाद लाइफ जा रही है, तो लाइन थोड़ी सी दोहरी हो रही है, तो ये नेगेटिव साइन है। तो सर बहुत आपको ख्याल रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, हेल्थ में कुछ जो है जो परेशानियां हैं आपको देखनी पड़ सकती हैं, ठीक है। कैलन की बात करें तो कैलन जो है डबल है, पहले तो आप यहाँ पर एक कैलन बनी और उसके बाद एक और कैलन बन रही है, ऐसे कुछ देखते आपको मिलेगा। तो ये कैलन जो है कंफर्ट हो सकता है किसी के कंफर्ट के अंदर, लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ होगी ये वाली कैलन देगी, और ये 28 के बाद ही यहाँ आपको स्टार्टिंग हुआ है, लेकिन 32 के बाद जीवन जो है चीज़ें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ वाइज जो है हाथ ऐसा सही नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। वो परेशानी आपको आ सकती हैं इस एज में जो आपकी एज ये चल रही है। कैरियर वाइज अगर हम बात करें तो कैरियर वाइज ग्रोथ काफ़ी अच्छी है आपको, यहाँ पर दिखेगा लाइन जो है ठीक ठाक यहाँ पर मूव कर रही है, और 45 के बाद थोड़ी सी और प्रोमिनेंट हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि सूर्य रेखा भी 45 के बाद अच्छी खासी बन रही थी यहाँ पर, वही चीज़ें यहाँ पर कैर लाइन में भी नज़र आ रही हैं। हाँ स्ट्रगल दिख रहा है, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव तक आते आते, या फिर हम कह लें कि जीवन के मिड तक आते आते, 50वें वर्ष तक जीवन में वो चीज़ें आपके हासिल हो जाएंगी। अगर मैं आपकी मस्तिष्क रेखा की बात करूँ तो मस्तिष्क रेखा ठीक ठाक है, पहले तो एक बड़ा ही आपका सिंबल के साथ स्टार्ट हुआ था, तो सभी रेखाओं में इनको देखने को मिला कि स्टार्टिंग में दिखते हैं, बचपन में दिखते हैं रोग दिख रहे हैं, मेंटली डिस्टर्बेंस दिख रहा है, और वो 20 तक था ये मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लाइनें ठीक हुई हैं, उसके बाद बहुत अच्छी लाइनें हुई हैं, और कोई ऐसे दोष यहाँ पर नज़र नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा दिखते रही हैं। और अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा में भी आपको स्टार्टिंग में दिक्कतें नज़र आ जाएंगी। देखिए देखिए स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग से ही आपके सिंबल से और बड़े बड़े आपके सिंबल से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा पेट की जुड़ी परेशानी, इन्फेक्शन वगैरह, लिवर से जुड़ी इन्फेक्शन हो सकती है आपको, और ये लाइन जाकर बिल्कुल गुरु पर्वत पर ख़त्म हो रही है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल करेक्टर ये नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। ऐसा नहीं कि देखिए जब इमोशनल व्यक्ति होता है तो दुख देखे होते हैं उसने, और व्यक्ति को इमोशनल कौन बनाता है, इमोशनल उसके दुखी बनाते हैं। और देखिए एक और बात मैं बता दूं आपको, जब ये ऐसा व्यक्ति ईमानदार बहुत होता है, किसी भी काम में ईमानदारी बहुत यूज़ करता है, किसी का बुरा करना ऐसे जातकों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, जानवरों से प्रेम करते हैं, और अपने रिलेशन को, किसी से भी रिलेशन जुड़े, काफ़ी ईमानदारी से निभाते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जिनकी रेखा जो है हृदय रेखा अगर गुरु पर्वत के बिल्कुल मिड में समाप्त हो रही है, तो आप दोस्ती कर ले उनसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होंगे, आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। तो ये भी जातक ऐसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कैरियर वाइज तो हाथ अच्छा है, काफ़ी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन हेल्थ वाइज जो है थोड़ा सा आपको संभल कर रहना पड़ेगा, हेल्थ वाइज जो है प्रॉब्लमें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन, आपको इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।